नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स। बीते दिनों हुई खरगोन मुख्यालय से 34 किलोमीटर दूर हुई भीषण बस दुर्घटना को लेकर खरगोन जिले में अब सियासत तेज हो चुकी है। जहां शासन प्रशासन बस हादसे को लेकर स्पष्टीकरण देने में लगा है, वहीं इस हादसे को लेकर खरगोन से कांग्रेस विधायक रवि जोशी ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें, मृतकों और घायलों को लेकर की गई घोषणा पर रवि जोशी ने तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी आरोप लगाए हैं। प्रभारी और परिवहन मंत्री से मांगे इस्तीफे और परिवहन अधिकारी को बर्खास्त करने की मांग भी कर डाली। आइए देखते हैं विधायक रवि जोशी के लगाए आरोप को उनकी जुबानी सुनते हैं। आज सुना है कि कहीं उनका मंदसौर में कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ भी एक बस पलटी खा गई है, उज्जैन में भी एक बस पलटी खा गई। ये अब बसों की पलटी के बाद सरकार की पलटी का समय है। काम नहीं चलेगा। जो आरटीओ पिछले 2-2.5 साल से खरगोन में पोस्टेड है, वो महीने में एक दिन आरटीओ अधिकारी खरगोन आती है, उसको तत्काल सेवा से बर्खास्त करना चाहिए। और अभी मेरे को किसी साथी ने बोला कि आरटीओ खरगोन अपने कार्यालय में बैठी है और बोल रही मैं किसी प्रकार की सस्पेंड नहीं हूँ, मेरी सरकार और शिवराज सिंह तक पहुंचे, कमल पटेल और परिवहन मंत्री की हैसियत नहीं कि जो मुझे सस्पेंड। मंत्री जी कहीं किसी लाडली बहना की योजना का कहीं शुभारंभ करना हो, केवल दिखावा करना हो तो तत्काल पहुंच जाते हैं। 25 लोग इतने बड़े हादसे में मर गए, उनके लिए मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं है। घटना स्थल पे पहुंचे और उन लोगों के घरों तक पहुंचना चाहिए। परिवहन मंत्री और प्रभारी मंत्री जिनके आदेशों का अवहेलना हो रही, दोनों तत्काल प्रभाव से नैतिकता के आधार पे उन्होंने खरगोन की घटना को लेकर तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। और कल मेरे को शिकायत कल भी मिली, आज सुबह भी फोन आया कि जो लोग घायल हैं, प्राइवेट अस्पतालों में इलाज चल रहा है, उन लोगों से रुपयों की मांग करी जा रही है। परसों ही जिला चिकित्सालय में जिन घायल लोगों की सीटी स्कैन हो रही थी, उन लोगों से सीटी स्कैन वाले पैसे मांग रहे थे। जो शवों को घर तक छोड़ा एम्बुलेंस ने, धर्मपुरी कोई महिला का शव था, उसको छोड़ने 108 की एम्बुलेंस गई, उसने भी पैसे लिए। मुख्यमंत्री जी, इस घटना के 25 लोग मरे, मुख्यमंत्री जी को होश नहीं है कि मुख्यमंत्री जी को खरगोन जिले में आना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को घटना स्थल पे जाना चाहिए, घटना में जो लोगों की मौत हुई उनके घरों तक जाना चाहिए। और मैं पुनः आप लोगों के माध्यम से मांग करता हूं कि इस घटना में जो दुखद जिन लोगों का निधन हुआ है, उन परिवारों को 10-10 लाख रुपए और शासकीय सेवा में नौकरी दी जाना चाहिए। और घायल लोग जो इधर उधर इलाज के लिए भटक रहे, उनका व्यवस्थित सरकार को 5-5 लाख रुपए घायलों को देके इलाज कराना चाहिए। सुना परसों ही कि प्रभारी मंत्री भी खरगोन आए, हेलीकॉप्टर से आए, हेलीकॉप्टर की स्टाइल में आए और हेलीकॉप्टर की स्टाइल से चले गए। पूरी तरीके से परिवहन मंत्री आरटीओ विभाग को बचाने, परिवहन विभाग के अधिकारियों को बचाने में लगे हैं। परिवहन विभाग के अधिकारी जो जिला परिवहन अधिकारी है, उसको सस्पेंड तो क्या, सेवा से बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि वह खरगोन में पिछले 2-2.5 साल से पोस्टेड है, आज तक अपने ऑफिस में बैठती नहीं है, इंदौर और भोपाल जा रहती है, वो अपने ऑफिस को वहीं से चला।